तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल त्यागी क्लब में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अंबाला सामली एक्सप्रेसवे के बारे में फुल जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों अंबाला सामली एक्सप्रेसवे कितने गांवों से निकलेगा, गांवों के नाम भी बताएंगे और इसका काम कब शुरू होगा वो भी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए बड़ी खुशखबरी, नवंबर से शुरू होगा सामली अंबाला एक्सप्रेसवे का निर्माण। जनपद को एक और एक्सप्रेसवे मिलेगा। भारतमाला परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला सामली अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा डेढ़ साल पहले की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, नवंबर से शुरू होगा सामली अंबाला एक्सप्रेसवे का निर्माण। दोस्तों इसके बाद सामली अंबाला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने तैयारी शुरू कर दी है। यह एक्सप्रेसवे जनपद की नकुड़ तहसील क्षेत्र के 32 ग्रामों से होकर गुजरेगा। इसके लिए 24 ग्रामों के किसानों की जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। प्रशासन की ओर से किसानों को मुआवजा देने का कार्य शुरू हो गया है। तो दोस्तों देखिए इन ग्रामों से होकर गुजरेगा नया हाईवे, मधोपुर, मोहम्मद गुर्जर, जोगीपुरा, सनोली, बीरानपुर, जुगहेरी, बेरखेड़ी हिंदू, पापड़ी, तीतरो, तबरकपुर, रामराय खेड़ी, गंगोह मजबता देहात 2, मुबारकपुर, बालू बाड़ी माजरा, भोगी माजरा, सादिकपुर, रसूलपुर गुर्जर, रानीपुर बरसी, सहसपुर जट, सलारपुरा, सांगा ठेड़ा, कलसी, सलियर, फतेहचंदपुर, खानपुर गुर्जर, चाऊ सहसपुर, डाला मजरा, कमहेड़ा, बढ़नपुर, जमालाबाद। तो दोस्तों ये गांव हैं जिनसे अंबाला सामली एक्सप्रेसवे निकलेगा। सामली अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी कर ली गई है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। नवंबर में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। सहारनपुर जनपद में 24 ग्रामों की भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है, बाकी की जमीन जल्द अधिग्रहण की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।